तो बताइए, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग, ये हो गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, इसके आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग जो है ना कल के क्लास में करेंगे। आज जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और आप में से कुछ बच्चा लोग जो हम लोग का टारगेट बैच चल रहा है इस बार का सीजीएल को लेकर, उसमें बहुत बढ़िया आप लोगों में से कुछ लोग स्कोर कर रहे हैं। क्या अभी डेढ़ महीना के अंदर आप लोगों में से बहुत सारा बच्चा है, जैसे कि यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, 25 क्वेश्चन में 23-24 क्वेश्चन बन रहा है, किसी किसी बच्चा का 25 में 25 बनने लगा है मात्र डेढ़ महीना का प्रैक्टिस में। और हम सभी बच्चों को बोले हुए हैं, आप लोगों को भी बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग एसएससी, केवल एसएससी के एग्जाम में या ओवरऑल कहिए बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 200 लड़कों को कम से कम सेलेक्ट करवाना है, चाहे वो इंस्पेक्टर पोस्ट हो, चाहे पीओ हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कम से कम 200 लड़कों को सेलेक्ट करवाना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए, इंस्पेक्टर पोस्ट की तैयारी करना है, संजोग की बात है कि बिल्कुल आप ही के समय में, आप ही का बैच अभी चल रहा है, आपके बैच के जस्ट 5 मिनट पहले 3 बच्चे सेलेक्टेड आए हैं। इसके इस बैच के पहले दूसरे बैच में भी कुछ बच्चे सेलेक्टेड आए हुए थे, लेकिन अभी आपके समय में 3 बच्चे आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई तो रोज हम लोग करते हैं, आगे का डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले मिलते हैं अमित जी से, जो जिनका सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है, दिवेश जी से जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं, और उनको डिविजनल अकाउंटेंट, इस बार का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला पोस्ट डिविजनल अकाउंटेंट है, उनके रूप में उनका सिलेक्शन हुआ है। और इन दोनों लोगों के साथ में मुकेश जी हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, और उनका भी सिलेक्शन बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में मेरिट लिस्ट में आ गया है, फाइनल रिजल्ट होना भी बाकी है, मतलब फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इन लोगों से मिलते हैं हम लोग, ये लोग आपको समझाएंगे कि तैयारी कैसे करते हैं, कैसे ये लोग अपना तैयारी किए, कैसे ये लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक्साइज इंस्पेक्टर डिविजनल अकाउंटेंट तक का जर्नी को सफर किए, तय किए। तो आइए अमित जी, रोशन जी भेजिए, अमित जी, दिवेश जी और मुकेश जी, आप सबका स्वागत है, चलिए मोस्ट वेलकम, आप लोगों का मोस्ट वेलकम। अरे ठीक है, खुश है, कितना प्रणाम तो हो ही गया है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आवाज आ रहा है सही? मेरा नाम कुमार अमित है और मेरा इस बार सीजीएल 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। तो पटना हम 2013 में ही आए थे, तो शुरू में तो बस ऐसा ही था कि एक जॉब लेना है कोई भी, और धीरे 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 क्लास करते करते मैथ इंग्लिश का धीरे धीरे आभास हुआ कि जॉब एक अच्छे लेवल का जॉब ही सही रहता है। तो फिर हम धीरे धीरे फोकस करना स्टार्ट कर दे, उस समय हम इंटरमीडिएट के बाद आ गए थे 2013 में, और 3 साल था मेरे पास, ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट होना था। हमने बस फोकस कर लिया था कि सीजीएल आएगा 2016 में, उसी को अटेम्प्ट करना है मुझे और क्रैक करना है। तो बस यही है, 13 से ये प्रिपरेशन लगन से हम काफ़ी अच्छे से मेहनत किए, और हाँ, उसके सिलेबस को, उसके कॉन्सेप्ट को, पैटर्न को पकड़ना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, एक आपको एक जॉब लेना है तो पेशेंस तो लूज नहीं करना है, क्योंकि जब मेरा पहला जैसे सीजीएल 16 में सिलेक्शन हुआ था तो एक लोअर पोस्ट पे हुआ था, ये 2800 ग्रेड पे मतलब ठीक था,
बट मेरा एक एक अचीव था कि मुझे एक इंस्पेक्टर पोस्ट लेना है, शुरू से ही ड्रीम था। तो बट हम ये नहीं कि सीजीएल का एक पोस्ट ले लिए तो उसके बाद हम रुक गए। हम पहली पोस्टिंग मेरी केरला में हुई थी, त्रिवेंद्रम में। तो हमने फिर एक चीज़ था, जिस डिपार्टमेंट में गए थे कैग में, तो एक चीज़ ये था कि उसमें ट्रांसफ़र नहीं था, मुझे किसी तरह से वहाँ से निकलना था। कि त्रिवेंद्रम एक तो आप इंडिया के सबसे लास्ट पॉइंट पे है, मेरे पास मोटिव था, एक मिल गया था कि मुझे वहाँ से निकलना है किसी भी तरीके से। तो फिर वही है कि हमने अपने प्रिपरेशन को जारी रखा वहाँ भी, और सीजीएल 17 में भी मेरा रिजल्ट हुआ। सीजीएल 17 में हुआ, इनकम टैक्स टीए मिला था मुझे 2400 ग्रेड पे, तो उससे हम कोलकाता आ गए। अभी इनकम टैक्स में हम कोलकाता में पोस्टेड हैं टैक्स असिस्टेंट। तो बट वही था कि लेना तो इंस्पेक्टर पोस्ट ही था, उसके बाद भी पढ़ाई को कंटिन्यू रहे किसी तरह से, और आखिरकार अचीव किया उसे। तो आज हम बहुत खुश हैं कि सपना मेरा पूरा हो गया, जिस सपने को लेकर हम आगे बढ़े थे वो सपना पूरा हो गया। तो हमने कभी पेशेंस को लूज नहीं किया किसी भी तरह से, या कभी भी हार नहीं माने कि ये नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पर तो कई ऐसे सारे अच्छे लड़के मिले, माहौल मिला मुझे पढ़ने का, तो ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ जिंदगी में। मतलब कि दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा टीचर का होना और एक अच्छे दोस्त की संगति होना। अच्छे टीचर से एक आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है, अच्छा डायरेक्शन मिलता है, मोटिवेशन एक अलग लेवल का मिलता है, और अच्छे लड़कों की संगति से एक माहौल तैयार होता है, पॉजिटिविटी आती है उसमें, तो जिससे आपके अंदर वो जुनून जो है अंदर वो जिंदा रहता है कि नहीं हम उस चीज़ को क्रैक करना है। तो एक आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम की, तो पहले तो उसका एक सिलेबस पैटर्न उसको पूरी तरह से जानने की ज़रूरत है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये है वो है नहीं है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है पहले। तो सर मैं जैसे 13-14 सर पटना में, गुप्ता सर ये 2015 में डेब्यू किए थे, तो एडवांस पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी जैसे हम कहीं पर जीएस कोचिंग कर रहे थे तो सर वहाँ पर आए थे क्लास करवाने के लिए कुछ समय के लिए, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा था इनका बताने का तरीका था, ये मैथ बताने का तरीका। उस समय तक 2015 तक एडवांस कोई बढ़िया से नहीं पढ़ाता था पूरे पटना में, अर्थमेटिक पढ़ा के किसी तरह से, और मैथ में लपेट देता, सॉरी एडवांस में लपेट देता था किसी तरह से, आ रहा है नहीं आ रहा है ये बस ऐसे। तो सर का देखे कि एडवांस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो सर का मैंने एडवांस बैच ज्वाइन किया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था इनके एडवांस बैच का, मुझे मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा, और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा। उस साल 2016 में मतलब मेरा रिजल्ट होने का मैथ ही था, मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन उसको और मजबूत करने का कारण सर गुप्ता सर ही हैं। तो उस साल मेरा सीजीएल 16 में मेरा मेंस में 200 में 182 मार्क्स थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुप्ता सर के बदौलत थे जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट हुआ। यही है सर, मतलब हाँ सर गुप्ता सर तो एडवांस बैच सर के यहाँ पढ़े थे, वो तो बता दिए कि काफ़ी अच्छा था, और सर के सीजीएल 16 जो थे सर का पहला बैच था, प्री में हम 2 महीना 2.5 महीना किए थे, और उसके बाद मेंस में स्टार्ट किए, मेंस बैच था सर का, तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि सर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। हाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, मेंस बैच भी काफ़ी इफेक्टिव रहा था सर का। तो फर्स्ट रिजल्ट तो आने का श्रेय गुप्ता सर का ही था मेरा, ये था। उसके बाद पढ़ाई जारी रखी, इंस्पेक्टर पोस्ट लेना था तो पढ़ाई को छोड़े नहीं हम कभी बीच में। जी सर, या हम त्रिवेंद्रम में थे उस समय, जिस समय प्रिपरेशन कर रहे थे सीजीएल 19 का, ज्वाइनिंग आया था सीजीएल का, ये मेंस और डिस्क्रिप्टिव देखे, सीजीएल 19 का मेंस और डिस्क्रिप्टिव देखे, वहाँ से रिलीफ हुए थे हम जब कोलकाता ज्वाइन किए थे। तो वहीं से हम, साधन तो था नहीं सब, यूट्यूब ये सब था सर, उस समय यूट्यूब स्टार्ट किए थे कोविड ये सब के कारण। हेलो तो सर बताइए कि मेरा इस बार सीजीएल 19 में डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट मिला है, तो वो तो वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ सीजीएल का एग्ज़ाम 16 से, 16 दिया, 17 दिया, 18 दिया, 19 दिया, 17 छोड़ के सब में 18 तक वाले में मेरा मेरिट लिस्ट में, लास्ट राउंड जो होता है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, बाद बाकी वही है 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वाली बात। तो वो ना कहीं मेरे प्रिपरेशन में कमी था या प्रैक्टिस में, कुछ ना कुछ तो रहा था सर। प्रैक्टिस सेट करवाते थे, मेंस क्लास पहले हो चुका था, मुझे पता नहीं था, तो मैं मेंस का क्लास नहीं किया हूँ। तो
प्रैक्टिस सेट ही इतना बेनिफिशियल हुआ कि दो दिन में सेट लगाया हूँ, दो दिन में मुझे पता चल गया कि पटना में वन ऑफ द बेस्ट है। प्रैक्टिस सेट के मामले में कोई हो ही नहीं सकता इनके टक्कर में। अभी मैं यूट्यूब पे भी अगर देखूँ तो प्रैक्टिस के मामले में कोई नहीं है इनके सामने, और प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। अगर सीजीएल का एग्ज़ाम या बनडे एग्ज़ाम कोई भी है, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, कोई भी, यहाँ तक कि सीडीएस भी, आपको प्रैक्टिस ही दिलवाएगा कोई भी है वैसा एग्ज़ाम है तो। सबसे बड़ा बात क्या है कि आप लोग या फिर कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है उस टाइम मटेरियल के लिए बहुत भटकता है, कभी कुछ मटेरियल लेता है, कभी मैथ्स का कुछ, कभी इंग्लिश का कुछ, जीके के लिए कुछ। मटेरियल पे एकदम फोकस्ड रहो कि एक मटेरियल रिविज़न जितना हो सके, मटेरियल ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। तो बाकी टीचर के बारे में रहा तो टीचर भी जितना ज़्यादा चेंज करोगे उतना लंबा टाइम लगेगा। जहाँ पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़ो, टाइम दो और पढ़ने पे टाइम दो। टीचर पे अब ये बोलोगे ये टीचर अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं है, तो फिर तो टाइम तो बर्बाद होगा ही होगा। बात बाकी जहाँ तक है अपना फोकस एग्ज़ाम में भी, वनडे एग्ज़ाम में बहुत लोग रेलवे करते हैं, एसएससी करते हैं, बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग के अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम है सब टाइम खोजेगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एसएससी तो बिल्कुल बिना पेशेंस का कोई सा भी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा। एमटीएस से लेके सीजीएल तक हर एग्ज़ाम 1 से 1.5 साल मिनिमम एग्ज़ाम होने में लगता है, रिजल्ट आने में 2 से 2.5 साल। कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आए हो सोच के तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तभी होगा। बात बाकी है कि इसका एसएससी सीजीएल इस बार 2020 का हुआ है, 2021 का हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लगता है फर्स्ट टाइम ही देने वाले, मुझे तो लग रहा है फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम होंगे। बहुत कुछ सिलेबस तो पता ही होगा, और रिजल्ट इस बार भी सर के यहाँ से बहुत सारा है, भले ही अभी फिलहाल 2 दिख रहे हैं, सर के यहाँ से रिजल्ट बहुत सारा है, धीरे धीरे सब दिखेंगे। अभी तो रिजल्ट आया है, रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस बहुत लंबा बाकी है। एसएससी बोले कि वो पेशेंस खोजता, अभी ज्वाइनिंग तक पेशेंस खोजेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिनका हुआ उनको अभी 1 साल का पेशेंस चाहिए, 10 महीना मिनिमम। इनका एक्साइज में हुआ है तो 7 से 8 महीना तो रख ही लो, और मेरा भी 5 से 6 महीना लगेगा ही। और इन एसएससी से अगर चाहिए ज्वाइनिंग सबसे फास्ट तो टॉप पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, वो निकालिए, सबको अच्छा रहेगा। 4600 ग्रेड पे भी है, सीएसएस जिसको बोलते हैं, 2.5 से 3 महीना में ज्वाइनिंग दे देगा वो। सेशन बहुत है, लेकिन अभी है कि कुछ लोग घर पे, रिजल्ट अभी आया है, मैं खुद आज आया हूँ घर से, मैं खुद घर पे था। बहुत लोग मैसेज किया है, आज ऑन लगाया ठीक है। देखिए सब लोग तो अपने बारे में बताए, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ कि आपने वीके गुप्ता सर से पढ़ रहे हैं, आगे सक्सेस की आप बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे खास बात क्या है कि जब फर्स्ट टाइम जब मैंने वीके गुप्ता सर को देखा था तो ऐसा हमको लगा था, चूंकि इरिस्पेक्ट था मेरे अंदर कि टीचर क्या पढ़ाएंगे। हम लोग 5 ग्रुप थे, 5 लड़के, 5 आज सक्सेस हैं, 5 मिलकर के प्लान बनाए के चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन लिए हम, और वो क्वेश्चन था ट्रिगो का क्वेश्चन था, और ट्रिगो का क्वेश्चन था जब लगभग 15 मिनट टाइम लगते हैं क्वेश्चन पे, मैंने चुपके से बैच में ऐसे बैठ गया और एक जगह से उठा और मैंने क्वेश्चन बोल दिया सर को। सर ने उस क्वेश्चन को लगभग 3 या 2 या 3 सेकंड में उसका आंसर दिया था, और उसके बाद सर ने मुझे कंसेप्ट दिया जो आज याद है। और हम लोगों ने 81 स्टूडेंट का बैच बनाया और 81 स्टूडेंट 100% सक्सेस किया उस बैच में, फर्स्ट सर का बैच था वो। और हम लोग भी 11 दोस्त थे, और 11 दोस्त जो है कहीं ना कहीं सब लोग पोस्टेड है, और एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो तीसरी बार डबल ए निकाला है, रोहित कुमार, जिसको हम लोग मंत्री से संबोधित करते हैं, अमित सर का स्टूडेंट है, 3 बार डबल ए निकालने वाला, अभी मुंबई में पोस्टेड है वो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग कोई मिशन लेके घर से आए हैं तो जो सक्सेसर बता रहा है आपको और आपके गुरु आपके सामने प्रेजेंट है, केवल और केवल टारगेट को फिक्स कीजिए, अपने गुरु का बात मानिए और 100% एक्यूरेसी अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो सर कहते हैं उतना आप कर लीजिए। तो जब सर ने 81 में 81 सक्सेस दिला दिया है
तब की बात है जब सर ने फर्स्ट टाइम कोचिंग शुरू किया था, आज तो सर एक्सपीरियंस्ड है। बाकी आपको पटना में बहुत सारे टीचर मिलेंगे, अपडेट टीचर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं इन्होंने जो कुछ भी सब लोग हैं, मैं इकलौता हूं कि सारे टीचरों के पास गया। इतना ही नहीं, दिल्ली गगन प्रताप की बात कर रहे हैं, अभिनय शर्मा, राकेश यादव, मोहित, जितने भी सर हैं, सबसे मैंने वहां पे जा करके सबके क्लास को मैंने अटेंड किया, और सब जगह जाने के बाद हमको अपने आप में जज किए कि मेरा बीके गुप्ता सनी बेस्ट। तो आप लोग अपने आप पे यकीन रखिए और अपने गुरु पे यकीन रखिए और अपने मेहनत पे कुछ ऐसा कीजिए कि आने वाले आपका जो 81 बैच की जो हम बात बताएं वो आप लोग कुछ करके दिखाइए। और देखिए, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर टाइम निकालना चाहें तो इजीली टाइम निकाल सकते हैं। CHSL में किस में है? थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, किस पोस्ट पे हैं, आपको कितना काम मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेक्टिक जॉब है, थोड़ा समय कम मिलेगा, आप समझ रहे। पोस्ट ऑफिस का भी थोड़ा सा हालत बैंक जैसा हो गया है। जॉब ठीक है, 2400 ग्रेड पे है, पोस्टल असिस्टेंट काफ़ी अच्छी सैलरी है, प्रमोशन भी ठीक ठाक है, बट उसमें थोड़ा सा है कि आपको काम के समय जो है एक मिनट का ये ब्रेक नहीं मिलेगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस आप समझ रहे, 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा का जो ड्यूटी आवर होगा आपका, उसमें आपको समय नहीं मिलेगा। उसके बाद निकाल सकते हैं आप, आपका जैसे ड्यूटी खत्म हो गया 5:30 बजे खत्म हो गया, तो 5:30 बजे से 11 बजे तक आप जिस समय सोते हैं या 12 बजे सोते हैं, उस वो तो आपके पास समय है ना। उसमें आप खान कुछ भी है, खुद से कुकिंग कर रहे हैं, ये सब को थोड़ा समय 3 से 4 घंटा आप निकाल सकते हैं। मेरा ऐसा था कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट सही था, काम वाम का उतना प्रेशर नहीं था, तो हम बीच में भी काम के बीच में भी एक कोई कोना लेके पढ़ाई कर लेते थे, 1-2 घंटा निकाल लेते थे। उसके बाद मतलब जैसे एक ये है चीज़ है ना कि जुनून होना चाहिए आपके अंदर, अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समय आपसे आप जो सोचिएगा आपसे वो होने लगेगा धीरे धीरे। मैं मतलब कि आप समझिए कि वो 8 घंटा का ड्यूटी करने के बाद ही मैं वहां से सीधे लाइब्रेरी जाता था त्रिवेंद्रम में, 2-2.5 घंटा पढ़ने के बाद ही 2-2.5 घंटा ही पढ़ते थे, उसके बाद घर पे आना, कुकिंग करना, खाना खाना, उसके बाद भी 2 घंटा का हम समय निकालते थे। हाँ, SSC CGL में थे, CAG में थे, एक अकाउंटेंट थे। हाँ, टाइम मिल जाता था। डिपेंड करता है कैसा जॉब है, तो थोड़ा बहुत डिफर करेगा समय, लेकिन आप कम से कम उसके बाद जो जॉब से छुट्टी होगा जिस समय 5:30-5:30 टाइमिंग के बाद, तो उसके बाद तो आपके पास समय रहता है, रात तक का समय है। ये है ये लोग, जैसे आप लोग तो 1 घंटा में बोर होने लगते हैं, जैसे 1 घंटा होता है तो तुरंत ही लोग माने भागने का तैयारी। ये लोग पूछिए, यहीं पे हैं ये लोग, जब हम लोग टारगेट बैच चलाते थे 3-3 घंटा का लगातार बैच होता था, 3-4 घंटा का क्लास, एक दिन नाइट शिफ्ट भी करा, पूरा रात भर क्लास हुआ था, ठीक है ना। तो तीन तीन घंटा 4-4 घंटा ये लोग माने टारगेट बैच में पढ़ते थे उस समय, और एकदम बोर नहीं होते थे, हम थक जाते थे, लेकिन उस बैच में इतना मोटिवेशन था लड़कों में, सब लोग ये थे, बहुत सारे बच्चों का उसमें रिजल्ट हुआ था, जो बोल रहे हैं ना 81 लड़कों का, 52 तो डायरेक्ट उसी समय CGL में हो गया था, और बाकी जो है जितना लड़का है इनके ग्रुप का, जितना लड़का कोई भी अभी बचा हुआ है आप लोग के ग्रुप का, इन लोग के ग्रुप का कोई भी लड़का नहीं बचा हुआ है, जो बोल रहे थे मुकेश जी। हाँ, सब लोग का लगभग हो गया। तो कहने का मतलब है क्या चीज, ये लोग 3-4 घंटा पढ़ते थे, बोर नहीं होते थे। आप लोग 1 घंटा, ये लोग 1 घंटा प्रैक्टिस बैच में आते हैं, हम इसलिए ये लोग का अदर सब्जेक्ट नहीं लगा रहे ना सर, क्योंकि ये लोग का हम देखते हैं ना कि जैसे 3 सब्जेक्ट हम लगाए और जैसे 3 घंटे का डिस्कशन हुआ, 1 घंटा कम से कम मैथ में चाहिए,
एक घंटा नहीं तो मान लीजिए 45 मिनट कम से कम इंग्लिश में चाहिए, 45 मिनट रीजनिंग में चाहिए, तो ये लोग टिक पाएगा? मैंने वो तो लाइन सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। उससे आप में एक्यूरेस, सबसे बड़ा चीज है कि एक्यूरेसी आती है। आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, कई बार ये होता है कि आपने इतना अटेम्प्ट किया एग्जाम में और इतना क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो चीज़ है कि उसमें एक्यूरेसी आपका बेस्ट होगा, धीरे धीरे अच्छा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। ये चीज़ है, तो बस वही है कि जज्बा रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए। आप लोग तो कहानी देखते ही होंगे किसी न किसी का, कि कोई एक कॉन्स्टेबल से शुरू करता है और कहाँ ऊपर पहुँच जाता है। एक अभी राजस्थान का कोई न्यूज़ आया था कि जिस बैंक में गार्ड जैसे, वो एक सर्विसमैन था, आर्मी में था, उसके बाद से मतलब उसका जब रिटायर हो गया 35 साल बाद, तो फिनेंशियल कंडीशन उतना नहीं, वो पेंशन से नहीं चलता होगा, तो जिस बैंक में वो गार्ड के तौर पे 8-10 हज़ार पे वो लोग ज्वाइन किया था, तो बट उसने देखा वो बैंक में कि कलर किया सब उसने, मतलब वो बना लिया था कि मुझे इस बैंक में मैनेजर बनना है एक दिन, तो उसी दिन से उसने वो पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दी और आखिरकार अभी लगता है कुछ साल उसके रिटायरमेंट के बचे हुए, मतलब 60 साल होना कंप्लीट है और वो उसी बैंक में मतलब कि पीओ बन के गया है। तो ये सब इंस्पायरेशनल स्टोरी है, बहुत सारा ऐसा कहानी है, एक नहीं है। बैंक पीओ होके यूपीएससी निकाल लेता है आदमी। बैंक पीओ भी आप जान रहे कि कितना हेक्टिक जॉब है, उसमें टाइमिंग नहीं होता है। जो मैनेजर होता है किसी बैंक का, तो वो सिर्फ 9 से 5 नहीं रहता है, वो 8-9 बजे रात तक जॉब करता है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा कहानी है। वो अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, आप उस इमेजिनेशन को जिंदा रखिए कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस जॉब के बाद आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो जॉब हो जाता है तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और सिर्फ यही, ये मतलब बहुत ही गोल्डन पीरियड है आप लोग के लिए, 6 महीना साल भर। सबसे बड़ा चीज़ है कंसिस्टेंसी, आदमी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता है, तो वो 6 महीना या साल भर, 1.5 साल 2 साल लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो बस यही है सर, एक सही स्ट्रेटजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे या 12 घंटा पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगला आदमी आता है एक लॉज में, आप लोग देखते होंगे कि 6 घंटा पढ़ने वाला ही रिजल्ट लेके चला जाता है, 10 घंटा पढ़ने वाला रिजल्ट कुछ नंबर से छूट जाता है। उसकी सही स्ट्रेटजी नहीं होती है, सही प्लानिंग नहीं होती है, या फिर सही टीचर उसके पास, सही गाइडेंस नहीं होता है, तो ये सब चीज़ मैटर करता है। यही सब है।